नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर जिले का गोगुंदा उपखंड क्षेत्र सुर्खियों में है। कारण है यहाँ पर कई पेंथर का होना और पेंथर का आदमखोर हो जाना। 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर पेंथर के हमले से 7 मौतें हो चुकी है। अब आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं 5 अक्टूबर की घटनाओं को। 5 अक्टूबर को गोगुंदा में उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने गीत गाया। वहीं सर्च ऑपरेशन की एक टीम पेंथर होने की सूचना मिलने पर मायरा के गुफा के पास पहुंची, जहां पहाड़ पर चढ़े लेकिन वहां पेंथर की बजाय निकला जरख। वहीं सायरा थाना क्षेत्र के ढोल गांव में देर शाम को एक पाइथन आ गया, मतलब अजगर आ गया। अजगर को ग्रामीणों ने पकड़ा, रेस्क्यू किया और सुदूर उसको छोड़ा। देर शाम को सामल की घाटी के पास में राहगीरों को पैंथर दिखाई दिया। राठौड़ों का गुड़ा में जारी रहा सर्च अभियान, लेकिन नहीं मिली कोई सफलता। अरे मिल रहा है यार, वो भी पकड़ो यार, कैसे नहीं करे। अरे नहीं करे, कहीं नहीं करे। ढोल गांव के अंदर अभी चीता भी आ गया है, प्रशासन हमारा कोई ध्यान नहीं दे रही है। और अभी अजगर भी आया है, बहुत बड़ा। अरे लंबो करो, लंबो करो, लंबा है, 10 फीट लंबा, लंबो करो, लंबो करो। अरे हड़ी डाल ले, उड़े हम कल। अभी कल सीता भी आया, आज आया, एक गाय को खाई, एक केल रोटी खाए। बहुत बड़े अजगर है यार, अभी चीता भी आया है, चीला है, अरे चीता है, सेंदुआ, सेंदुआ। फेंक दिन छोड़ी, मुड़ू पकड़ में उधर, हर जाए उधर। ढोल में हरज माता के स्थान पर मेन रोड पर लंबे फीट 15 फीट लंबा अजगर निकलने से अजगर मिल गया। उसके बाद में ग्रामीण प्रजापत मोहल्ला अजगर को काबू में किया। बड़ी मुसीबत बाद बजरंग को अपने अजगर को पकड़ा और सैकड़ा की तैनात में लोग आए और काबू में किया। 5 अक्टूबर को दोपहर को सर्च ऑपरेशन जहां चलाया जा रहा है राठौड़ों का गुड़ा में, वहां बेस कैंप में एक सूचना मिली कि गोगुंदा थाना क्षेत्र के मोड़ी ग्राम पंचायत के काकण का गुड़ा गांव के समीप एक पहाड़ पर पेंथर आया है। पेंथर को किसी ट्रैक्टर चालक ने देखा था। उसकी सूचना पर ग्रामीण एकत्र हुए और पहाड़ियों पर, चारों तरफ जो वहाँ पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों के ऊपर लोग एकत्र हो गए और नज़रें बनाए रखी कि पेंथर वहाँ से निकल कर किसी और दिशा में चला ना जाए। तो पहाड़ों पर आप देख सकते हैं कि लोग खड़े हैं और वो बिल्कुल वॉच कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं कि पेंथर यहाँ से चला ना जाए। वहीं सूचना मिलने पर बेस कैंप से एक टीम जो है मायरा की गुफा के पास में पहुंची। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे गिरवा डिप्टी गजेंद्र सिंह राव, उनके साथ में वन विभाग की और पुलिस की टीम थी। राजस्व विभाग के RI राजेश दमामी सहित और भी लोग उनके साथ में थे और ग्रामीणों के सहयोग से सभी जो है पहाड़ के ऊपर चढ़े। काफ़ी देर तक यहाँ पर उन्होंने सर्च किया और अंत में तकरीबन 1 घंटे बाद में यहाँ पर जरख दिखाई दिया और वो लोगों को देखकर यहाँ पर दुबक रहा था, जो बाद में यहाँ से निकलकर भागा। तो कह सकते हैं चढ़े पहाड़ निकला जरख। देखिए, इससे ये सबक मिलता है, जब तक आप श्योर नहीं हैं कि क्या जानवर है तब तक सूचना नहीं करनी चाहिए। आप जब बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पर पैंथर है या जो कुछ भी है तो उसकी सही सूचना है जो देनी चाहिए, ताकि टीमें डिस्टर्ब नहीं हो। कई जगह से झूठी सूचनाएं भी आ रही है, जिसके चलते सर्च अभियान को चलाने में दिक्कतें आ रही है। तो जहाँ कहीं आप पैंथर को देखते हैं या जिस किसी जीव जंतु को देखते हैं, तो उसकी सटीक जानकारी
जो है अधिकारियों तक पहुंचाए, अन्यथा झूठी सूचना ना पहुंचाए। उधर राठौड़ों का गुड़ा में जो है टीमें कम कर दी गई है, पुलिस की टीम हालांकि यहाँ पे बढ़ा दी गई है। एडिशनल SP गोपाल स्वरूप मेवाड़ा जो है 5 अक्टूबर को वहाँ पर थे, 4 अक्टूबर को भी पूरे दिन राठौड़ों का गुड़ा में रहे। गिरवा डिप्टी गजन सिंह राव और थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत सहित जो है पुलिस के 100 जवान यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। वन विभाग की टीमें काम कर रही है। और आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को कोई सफलता नहीं मिली, सभी चुपचाप नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। और रणनीति ये है कि साइलेंट रहकर काम किया जाए और जंगल में पैंथर की तलाशी ली जाए। देखने में ये भी आया है कि पहाड़ों में जंगल में कहीं पे भी किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक चिंताजनक बात है। खरगोश और दूसरे जो छोटे जीव होते हैं किसी न किसी का तो होना जरूरी ही है, अन्यथा ये जो पैंथर जैसे जीव है ये क्या खाएंगे। तो एक फाइंडिंग ये भी आ रही है कि यहाँ पर जीव जंतु कम हो गए हैं, वन्य जीव जंतु कम हो गए हैं, ऐसे में पैंथर जैसे शिकारी जीवों के लिए भी खाने के जो है लाले हैं यहाँ पर। इस पे भी वन विभाग और वाइल्ड लाइफ के लोग अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर वन्य जीवों को लाकर छोड़ने की जो है बातें हो रही है। पर फिलहाल जो आदमखोर पैंथर है इसको पकड़ने के लिए जो टीमें लगातार 2 दिन से काम कर रही है, एक अवरुद्ध आया था 3 तारीख को, उसके बाद में 4 तारीख और 5 तारीख को जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें कहीं पर भी पैंथर के होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। वहीं जो है यहाँ पर DFO मुकेश सैनी ने बताया कि ट्रैप कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। पहले जो लगभग 25-30 ट्रैप कैमरे थे अब 10-20 ट्रैप कैमरे और बढ़ा दिए गए हैं और 50 ट्रैप कैमरे हो गए हैं जो अलग अलग चुनिंदा जगहों पर लगाए जा रहे हैं। तो कल कई जगह पर इंस्टॉल किए भी गए। और लेकिन चिंताजनक बात यह है कि कहीं पर भी जो है किसी भी कैमरे में अभी तक जो है पैंथर के मूवमेंट की कोई फोटो क्लिक नहीं हुई है। ऐसे में ये चिंता वाली बात है कि आखिर वो कहाँ गया है। एक बात ये भी है मैं आपको बता दूँ, अगर ये जो 7 जाने गई है इसमें जो जिस तरह का ये देखा गया है कि वो हथेली को काट के फेंक रहा है, कई मतलब वो खाने की बजाय मार कर भाग रहा है या भगाया जा रहा है, लेकिन जिनको वो ले गया उनका भी बहुत ज़्यादा मांस उसने नहीं खाया, वो रेबीज से ग्रसित भी हो सकता है। पैंथर अगर रेबीज से ग्रसित होता है तो 1 महीने के अंदर अंदर खुद ही मर जाता है। 2 दिन में पैंथर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, कहीं वो मर तो नहीं गया, इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि रेबीज से ग्रसित जो पैंथर होता है वो एक तरीके से पागल जैसा हो जाता है, वो हर किसी चीज़ को चबाना चाहता है, वो हर किसी चीज़ को फाड़ना चाहता है, वो लोगों पर हमले करता है, उग्र हो जाता है और मांस का भक्षण बहुत कम करता है। आम तौर पर एक पैंथर को 10 किलो मांस कम से कम चाहिए होता है, लेकिन इसकी जो बात करें तो इसने सोमवार सुबह जो हमला किया था विष्णुगिरी जी पे, उनका हाथ का थोड़ा सा भाग खाया था और उनके सीने का कुछ भाग खाया था, उसके बाद कमला कुंवर का शिकार किया था लेकिन वो शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। तो सोमवार से लेके आज जो है रविवार है आज तक उसने और किसी व्यक्ति का शिकार नहीं किया है और कुछ नहीं खाया है। जंगल में भी जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और टीमों का कहना है कि जंगल में किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में पैंथर भूखा है या तो, और अगर वास्तव में वो रेबीज से ग्रसित है तो उसके मर जाने के चांसेस भी है, क्योंकि बताया जाता है कि रेबीज जब होता है पैंथर को तो वो 1 महीने के अंदर अंदर मर जाता है। आपको बता दें कि 1996 में एक कर्नाटक में ऐसा ही मामला हुआ था जिसमें पैंथर ने 6 लोगों पर हमला किया था और 6 हमले करने के बाद में जो है वो मृत पाया गया। उसका बाद में जो है उसके सिर को खोल के उसके दिमाग को उसके मस्तिष्क का जो है जांच किया गया और जिसमें ये पाया गया कि वो रेबीज से ग्रसित था।
तो ये भी एक संभावना है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है, इसको भी वन विभाग को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे हमें ये जानकारी दे रहे हैं भोपाल के उज्जैन से वाइल्ड लाइफ के जानकार है विवेक पगारे। इनका कहना है कि वो जो पैंथर है वो रेबीज से ग्रसित भी हो सकता है। इधर 5 अक्टूबर को राणा पूंजा की जो है जन्म जयंती थी। राजस्थान भील विकास समिति और बिलू राणा सेवा समिति के द्वारा गोगुंदा में महाराणा बिलू राणा पूंजा की जयंती जो है धूमधाम से मनाई गई। इससे पहले शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गोगुंदा के कृषि उपज मंडी के पास से शुरू हुई, जो गोगुंदा कस्बे में से होती हुई राजतिलक स्थली पर पहुंची। वहां पर जन्म जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसे उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक प्रताप गमेती, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली और प्रधान सुंदर देवी गमेती, पूर्व उप प्रधान पप्पू राणा भील और वर्तमान प्रधान लक्ष्मण सिंह जाला सहित समाज के कई लोगों ने संबोधित किया। वहीं इस दौरान उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने गीत गाया, आप भी सुनिए। राणा तारे पाछे उबी पीला टोल रे, नील गगन सुआ रण वीरा भीला ने आशीष देओ रण वीरा। जय एकलिंग गढ़, जय एकलिंग गढ़, बोले रे मेवाड़ी राणा तारे पाछे उबी बीला टोल रे। तीर कामण राणा थारी रे तलवारा, तीर कमान तो राणा पूजा जी की, भीलों की और तलवारें मिलके फिर युद्ध करती। तीर कमान राणा थारी रे तलवारा, बल फेरी जोरे राणा बेरिया ने ललकारा। बेरी कोई खोले पटना, बेरी कोई खोले पटना, पट रे मेवाड़ी राणा थारे पाछे उबी बीला टोल रे। बोलिए भारत माता की जय। राणा पूंजा जी की। तो हम तो वो सैनिक हैं जिन्होंने झंडे से कंधा मिलाकर उन लोगों का मुकाबला किया जो भारत से बाहर से आते थे, चाहे मुगल हो, चाहे कोई दूसरा हो, चाहे अंग्रेज हो। याद है कि बिलू ने मानगढ़ धाम पे बहुत बड़ा आंदोलन किया जिसमें अंग्रेजों को ललकारा था, बुरी टी मानो रे नहीं। ये हमारी अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है कि हम देश को सामने रखकर, देश को सबसे पहले रख के, समाज एकजुट होकर और अपने क्षेत्र के जितने भी भाई बहन है दूसरे समाज में सब मिलकर काम करते हैं, वैसे ही आगे काम करते रहेंगे। और विकास की जितनी योजना है हमारी कोशिश रहेगी, यहाँ उप जिला प्रमुख जी हैं, अपने विधायक साहब हैं और पूरे सारे मिलकर सारे क्षेत्र में जो भी काम बाकी है उन सबको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को प्रणाम करते हैं, सबको विराम देता हूं। नमस्कार, प्रणाम, राम राम। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सांसद साहब ने हमारे गोगुंदा स्तर पे जो जमीन हमने एक तो देख रखी है तकिया के बिलवाड़े के यहाँ, तो एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे एक भवन जो बैठने के लिए बनेगा, एक बार जोरदार ताली बजाएं। भाई साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसमें दो बातें और जोड़ रहा हूँ, अपने उदयपुर से निकल के पिंडवाड़ा की तरफ जो रोड जाता है, अपने यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो उसके लिए हमने उस रोड को पूरा ठीक कराने के लिए भारत सरकार से कोशिश की है। 100 करोड़ रुपए का बजट जो है ना भी स्वीकृत कराया, एक तो वो बड़ा काम हुआ है। एक हमने कोशिश की है कि उदयपुर से पिंडवाड़ा की तरफ ये जो लाइन है, अपने यहाँ गाड़ियां कम आती है और देर रात थोड़ी महंगी भी पड़ती है सारी चीजें, यहाँ तक कि अपने सायरा की तरफ वाले जाने वाला जो दक्षिण भारत जाता है उनको भी तकलीफ होती है। हमने एक प्रस्ताव आगे बढ़ाया कि उदयपुर से पिंडवाड़ा रेल की लाइन भी आगे भविष्य में आएगी जी।